देखिए फ्रेंड, मैं आम का पन्ना बनाई हूँ और बिल्कुल गर्मी के लिए बहुत ही हेल्दी है। और आप भी बनाइए और ट्राई करिए। देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी बनाइए और ट्राई करिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। चलिए इसकी रेसिपी बताते हैं आपको कि मैं कैसे बनाई हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने 3 आम लिए हैं और बिल्कुल ये कच्चा आम है, 250 ग्राम्स है। इसको चेक कर लेना है, अच्छे से कच्चा होना ही चाहिए। और इसको अच्छे से फुल फ्लेम पर मैं चारों तरफ उलट पलट के इसको भूनूंगी। और ये जो है गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और अच्छे से भून लेंगे। फिर इसको मैं, ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, इसको पहले ठंडा कर चुकी हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से छील लूँगी। बहुत ही इजली छिल जाता है। और देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल ठंडा हो गया था, मैं देखिए अच्छे से इसको छील रही हूँ, बहुत ही इजली छिल जाता है। और इसको देखिए आराम से, ये इसका पल्प मैं निकाल रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से। और ये देखिए मेरा पल्प निकल गया है। और ये देखिए मैं ग्राइंडर करूँगी। और ये देखिए हमारे गमले में पुदीना लगा है, मैं बालकनी में लगाई हूँ। ये गर्मी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए मैं, आप लोग भी लगा सकते हैं गमले में इजली। ये देखिए मैं काला नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ये सेंधा नमक है। और ये देखिए जीरा भुना हुआ मैं डाल रही हूँ, और जो है ये देखिए 1 स्पून समथिंग है। और ये चीनी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और मैं शुगर फ्री यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। ये समथिंग 3 ग्लास है, इसलिए मैं थी शुगर फ्री डाली हूँ। देखिए मैं ग्राइंडर कर रही हूँ, ग्राइंडर हो गया है हमारा। और ये देखिए मैं बाउल में डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा आम पन्ना रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए मैं पानी डालूँगी इसमें और बर्फ़ भी डालूँगी अच्छे से। और देखिए फ्रेंड, आप भी बनाइए और ट्राई करिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the